हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लेकर आए हैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर इकोनॉमिक्स सेकंड पेपर का तीसरा पार्ट। और हम जानते हैं कि बीए फर्स्ट सेमेस्टर इकोनॉमिक्स के सेकंड पेपर में इंडियन इकोनॉमिक्स टॉपिक को रखा गया है। आज हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है नीति आयोग एवं पूर्व योजना विकास, बचत एवं भारत में पूंजी निर्माण। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बीए के एग्ज़ाम के साथ साथ विभिन्न कम्पिटेटिव एग्ज़ाम में भी एक प्रश्न इस टॉपिक से ज़रूर आता है। इसीलिए कम्पिटेटिव एग्ज़ाम में भी जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसको भी इन प्रश्नों के उत्तर में हमने शामिल किया है। तो चलिए पहले हम देख लेते हैं कि किस टॉपिक को हमने इसमें रखा है। तो टॉपिक इसमें है नीति आयोग एवं पूर्व योजना विकास, बचत एवं भारत में पूंजी निर्माण। ये तीन टॉपिक आज हम लेकर चल रहे हैं इस वीडियो में, नीति आयोग, पूर्व योजना विकास, बचत एवं भारत में पूंजी निर्माण। इसे इंग्लिश में कहते हैं नीति आयोग एंड पोस्ट प्लान डेवलपमेंट, सेविंग एंड कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। अब हम देखते हैं कि किस प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्न इस बीए के एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उसको हम देख लेते हैं। संबंधित प्रश्न, नीति आयोग से आप क्या समझते हैं, इसे बनाने की आवश्यकता क्यों हुई। ये प्रश्न 2016, 17, 18 और 20 में पूछा गया है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि नीति आयोग है क्या। हम जानते हैं कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था अर्थात अंग्रेज़ों के चंगुल से मुक्त हुआ था। इसके बाद देश का शासन किस प्रकार से चलाना है उसके लिए संविधान निर्माण की प्रक्रिया आरंभ हुई और हमारा संविधान बनने में लगभग 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। और इसके बाद 26 नवंबर 1949 को बनकर पूरी तरीके से तैयार हो गया और ठीक 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अब चूँकि संविधान बनने का मतलब है कि देश में किस प्रकार से नीतियां चलनी चाहिए, इसका शासन किस प्रकार से हमें चलाना है, लोगों को किस प्रकार से अपने दायित्व को निभाना है, संविधान में इस प्रकार के सारे जिक्र किए गए हैं। लेकिन देश के विकास के लिए, देश के पुनर्निर्माण के लिए, लोगों को किस प्रकार के रोज़गार देना है, उनकी आय को कैसे बढ़ाना है, उनके रहन सहन को किस प्रकार से बदलना है, इसके लिए कुछ योजनाएं बनानी पड़ी, तो उसी को नाम दिया गया योजना आयोग। योजना आयोग एक प्रकार की संस्था है जो निर्णय करता है कि ऐसा क्या किया जाए कि देश का विकास हो, देश में रोज़गार के अवसर बढ़ें। तो हम ये समझते हैं कि जो नीति आयोग है ये योजना आयोग का ही एक सुधरा हुआ रूप है। योजना आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय था अर्थात संविधान में इसका कहीं भी जिक्र नहीं किया गया था। और योजना आयोग की जो स्थापना हुई थी ये 15 मार्च 1950 को जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुई थी। और योजना आयोग के 2 कार्य थे। पहला कार्य था पंचवर्षीय योजना बनाना और दूसरा कार्य था राज्य और मंत्रालयों को वित्तीय आवंटन करना। पंचवर्षीय योजना के विषय में हम सारी जानकारी अपने दूसरे पार्ट वाले वीडियो में दे चुके हैं। पंचवर्षीय योजना जो स्टार्ट होती है वो 1951 से लेकर 1956 पहली पंचवर्षीय योजना है और 12वीं और अंतिम पंचवर्षीय योजना 2012 से लेकर के 2017 तक चलती है, 31 मार्च 2017 तक चलती है और इसके बाद पंचवर्षीय योजना का सिस्टम ख़त्म हो जाता है। अब चूँकि महात्मा गांधी ने भी कहा था कि देश के विकास के लिए परिवर्तन जरूरी है क्योंकि परिवर्तन प्रकृति का नियम है, तो जो योजना आयोग 70 सालों से चली आ रही थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना आयोग को बदल करके नीति आयोग बना दिया। नीति आयोग में न तो पंचवर्षीय योजनाओं का कहीं जिक्र है और न ही राज्य और मंत्रालयों को वित्तीय आवंटन का कोई कॉन्सेप्ट है। क्योंकि नीति आयोग भी एक गैर संवैधानिक निकाय है, इसका भी संविधान में कहीं कोई उल्लेख नहीं है अर्थात ये भी एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है। नीति आयोग की स्थापना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 1 जनवरी 2015 को की गई थी, 1 जनवरी 2015 को की गई थी। तो चलिए अब हम समझते हैं कि नीति आयोग क्या है और इसके विषय में
किस प्रकार का आंसर हमने लिखा है। नीति आयोग, इंग्लिश में इसकी स्पेलिंग है NITI, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, हिंदी में कहेंगे भारत के रूपांतरण हेतु राष्ट्रीय संस्था। नीति आयोग भारत सरकार द्वारा गठित एक नया संस्थान है जिसे योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया। नीति आयोग को योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया है। यह संस्थान सरकार के एक थिंक टैंक के रूप में सेवाएं प्रदान करेगा और उसे निर्देशात्मक एवं नीतिगत गतिशीलता प्रदान करेगा। नीति आयोग केंद्र और राज्य स्तरों पर सरकार को नीति के प्रमुख कारकों के संबंध में प्रासंगिक एवं महत्वपूर्ण तकनीकी परामर्श उपलब्ध कराएगा। ये नीति आयोग का काम है, ये प्रासंगिक एवं महत्वपूर्ण तकनीकी परामर्श उपलब्ध कराएगा। तो चलिए अब हम ये देखते हैं नीति आयोग एक दृष्टि में। नीति आयोग का जो गठन हुआ था वो हुआ था 1 जनवरी 2015 को। इसका अधिकार क्षेत्र है भारत सरकार, अर्थात इस पे जो अधिकार होता है वो भारत सरकार का होता है। इस समय नीति आयोग के अध्यक्ष या चेयरपर्सन, ये कह सकते हैं कि हम पदेन अध्यक्ष, नरेंद्र मोदी हैं। मुख्यालय नीति आयोग का नई दिल्ली में है और जो नीति आयोग के CEO मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं वो हैं अमिताभ कांत, और नीति आयोग के जो सदस्य हैं वो हैं विवेक देवराय, TK सारस्वत, रमेश चंद्र विनोद पाल शामिल हैं। अब हम समझते हैं कि नीति आयोग की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों योजना आयोग को बदलकर नीति आयोग को लाना पड़ा, आखिर योजना आयोग में क्या कमियां थी। तो हम इसको देखते हैं कि चूँकि 10वीं पंचवर्षीय योजना जो 2002 से 2007 तक चली थी में पहली बार NDA सरकार में एक दस्तावेज में ये आह्वान किया गया कि यदि राज्य विकसित हो तभी राष्ट्र विकसित होगा। अब अगर हम ये देखें तो योजना आयोग एक तरफा नीति थी, उसमें भारत सरकार ही नियम बनाती थी, भारत सरकार ही पंचवर्षीय योजनाएं बनाती थी और वही राज्य और मंत्रालयों को बजट का आवंटन करती थी, तब राज्य और मंत्रालय कुछ करते थे। तो इसमें सारा काम भारत सरकार को ही करना था, राज्य बिल्कुल पूरी तरीके से स्वतंत्र थे। तो ये आह्वान किया गया 2002 से 2007 में जो 10वीं पंचवर्षीय योजना थी, तो उसमें ये कहा गया कि यदि राज्य विकसित हो, राज्य भी कुछ हेल्प करे तभी राष्ट्र विकसित होगा, अर्थात देश के विकास के लिए राज्य को भी साथ साथ आना चाहिए और उसे भी अपनी भूमिका का निर्वहन करना चाहिए। NDA सरकार एक दृष्टि, हम देखते हैं पहले NDA सरकार क्या है। तो NDA का फुल फॉर्म है राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। इसकी स्थापना 1998 ईस्वी में हुई थी। अध्यक्ष अमित शाह हैं, लोकसभा नेता नरेंद्र मोदी हैं। इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस विरोधी गठबंधन बनाना। भारत सरकार इस आयोग की सहायता से भारत के विकास के एजेंडा को रूपांतरित करना चाहती है। वह योजना से नीति की ओर चल रही है। बदलते समय के साथ समायोजन के लिए सरकार ने नीति आयोग को भारत के लोगों की ज़रूरतों एवं आकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए साधन के रूप में स्थापित किया है। सरकार का विचार है कि नीति आयोग विकास प्रक्रिया में प्रेरक का कार्य करेगी तथा विकास के प्रति एक समग्र दृष्टिकोण रखते हुए इसे सार्वजनिक क्षेत्र एवं भारत सरकार के सीमित परिधि से बाहर जाकर अनुकूल वातावरण का निर्माण करेगी। सरकार का विचार है कि जो नीति आयोग हम ले आए हैं विकास प्रक्रिया में ये प्रेरक का कार्य करेगी हेल्प और विकास के प्रति एक संपूर्ण दृष्टिकोण रखते हुए इसे सार्वजनिक क्षेत्र और भारत सरकार के जो सीमित परिधि है उससे बाहर जाकर एक अनुकूल वातावरण प्रदान करेगी। अब हम कुछ पॉइंट देखते हैं कि योजना आयोग को नीति आयोग में बदलने की आवश्यकता क्यों हुई। पहला पॉइंट है, नीति आयोग राज्यों को राष्ट्रीय विकास में बराबर का भागीदार बनाना चाहता है। नीति आयोग ये चाहता है कि राष्ट्रीय विकास में राज्य भी अपनी बराबर भागीदारी निभाएं। दूसरा पॉइंट है, आंतरिक एवं बाह्य संसाधनों का एक ज्ञान केंद्र होगा जिसमें नीति आयोग एक थिंक टैंक के रूप में कार्य करेगा। तीसरा पॉइंट है, नीति आयोग एक सहयोग मंच है जो केंद्र एवं राज्य के बीच अंतर को कम करता है। नीति आयोग एक सहयोग मंच है जो केंद्र और राज्य के बीच अंतर को कम करता है। चौथा पॉइंट है कि वर्तमान समय में देश का सकल घरेलू उत्पाद
जीडीपी लगभग 100 लाख करोड़ रुपए के ऊपर पहुंच चुकी है और इसमें कृषि के हिस्से में भी भारी गिरावट देखने को मिली है। प्राथमिकताएं, रणनीतियां एवं संरचनाएं जो योजना आयोग के जन्म के समय से चली आ रही है वे अब बदलनी चाहिए। सरकार को अर्थव्यवस्था के बड़े खिलाड़ी की अपनी भूमिका को परिवर्तित करके एक सामर्थ्यकारी वातावरण का पोषण करने वाले उत्प्रेरक की भूमिका में आना चाहिए। अगला पॉइंट है, राज्यों का विकास राष्ट्रीय लक्ष्य होना चाहिए क्योंकि राज्यों के विकास में ही देश की प्रगति है। यही इसका मेन पॉइंट है कि राज्यों का विकास राष्ट्रीय लक्ष्य होना चाहिए क्योंकि राज्यों के विकास में ही देश की प्रगति है। यदि राज्य विकसित होंगे तभी देश विकसित होगा। और अगला पॉइंट है कि 8वीं योजना जो 92 से 97 तक चली थी में स्पष्ट रूप से कहा गया कि योजना आयोग की भूमिका एवं प्रकारियों पर भी पुनर्विचार जरूरी है। योजना आयोग को पुरानी कार्यपद्धतियों एवं धारणाओं से मुक्त करना जरूरी है। अगला पॉइंट है, 15वीं लोकसभा के स्थायी वित्त समिति ने अनुदान मांग पर अपनी 50वीं रिपोर्ट 2011-12 में कहा कि योजना आयोग को पैदा होते सामाजिक वास्तविकताओं के अनुरूप अपने को ढालना है। 15वीं लोकसभा के स्थायी वित्त समिति ने अनुदान मांग पर अपनी जो 35वीं रिपोर्ट थी 2011-12 में, तो उसमें कहा कि योजना आयोग को पैदा होती सामाजिक वास्तविकताओं के अनुरूप अपने को ढालना है। नियोजन प्रक्रिया को आर्थिक सुधारों एवं परिणामों के साथ जोड़ने के लिए खुद को अधिक प्रासंगिक एवं प्रभावकारी बनाना है, विशेषकर गरीबों के लिए। अगला पॉइंट है, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी अपने विदाई भाषण, जब इनकी विदाई हुई थी अप्रैल 2014 में, तो उस समय इन्होंने कहा था कि योजना आयोग में जो पुराने उपकरणों एवं दृष्टिकोणों का उपयोग होता आ रहा है देश की प्रगति के लिए आज उन्हें बदलने की ज़रूरत है। जाते समय ही इन्होंने कहा था कि योजना आयोग को बदलने की ज़रूरत है। नीति आयोग के गठन हेतु आधार ढूंढते हुए सरकार ने महात्मा गांधी के कथन को दोहराया जिसमें कहा गया कि सतत परिवर्तन जीवन का नियम है, इसलिए जो योजनाएं लंबे समय से चली आ रही हैं उनको बदलना जरूरी है। अब हम देखते हैं नीति आयोग के कार्य क्या हैं। नीति आयोग के कार्य, तो नीति आयोग के कार्य, फंक्शन ऑफ नीति आयोग, नीति आयोग को टीम इंडिया के नए सिद्धांत के अनुरूप तैयार होने के लिए औपचारिक रूप से निम्न कार्यों को करना होता है। पहला कार्य है सहकारी एवं प्रतियोगितापूर्ण संघवाद, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कोऑपरेशन एंड कम्पिटिटिव फेडरेशन। इसमें राज्यों को राष्ट्रीय नीतियां बनाने में सहभागी बनाकर गुणात्मक एवं परिमाणात्मक लक्ष्यों के समयबद्ध कार्यान्वयन के लिए प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्रियों की संयुक्त कार्यशक्ति का उपयोग होता है। इसमें केंद्र से राज्य की ओर एक तरफा नीति के बजाय सतत केंद्र राज्य सहभागिता नीति अपनाई जाती है। इसमें केंद्र से राज्य की ओर कोई एक तरफा नीति नहीं होती बल्कि केंद्र और राज्य की सहभागिता नीति अपनाई जाती है। केंद्र राज्यों के साथ तथा राज्य केंद्र के साथ प्रतिस्पर्धा करे तथा राज्य आपस में भी प्रतिस्पर्धा करे, इस प्रकार देश के विकास का संयुक्त अभियान चलना चाहिए। केंद्र खुद प्रतिस्पर्धा करे और फिर आपस में भी प्रतिस्पर्धा करे, तभी देश का विकास हो सकता है संयुक्त रूप से। नीति आयोग का दूसरा कार्य है सुसंगतीकरण, हार्मोनाइजेशन, विभिन्न क्षेत्रों के विकास में समेकित एवं समग्र दृष्टिकोण के बीच सहमति होना चाहिए। तीसरा कार्य है संघर्षों का समाधान, केंद्र राज्य के बीच पारस्परिक सहमति का एक मंच बने और सबके हित में सर्वसम्मति का निर्माण हो, तो इसका भी कार्य नीति आयोग करता है। चौथा पॉइंट है विशेषज्ञता का सहयोग लेना। ऋग्वेद में कहा गया है कि सभी दिशाओं में सद्विचार के प्रवाह का हम स्वागत करें, इसके लिए सरकार को बाहरी दुनिया से जुड़ा होना आवश्यक है। विश्वविद्यालयों, शोध संस्थानों एवं निजी विशेषज्ञता को भी नीति निर्माण में शामिल करना चाहिए। अर्थात ये नहीं सोचना चाहिए कि भारत सरकार केवल अपनी ही राय दे, अपनी ही सलाह दे और जो कहे वही सभी लोग मानें। सभी दिशाओं में जो भी बुद्धिमान लोग हैं, जो भी समझदार लोग हैं, उनके सद्विचारों का हम स्वागत करें, उनकी भी सलाह को माने, इसके लिए सरकार का बाहरी दुनिया से जुड़ा होना जरूरी है। जो विभिन्न विश्वविद्यालय हैं, शोध संस्थान हैं, निजी विशेषज्ञता है, उनकी भी राय लेकर हमें चलना चाहिए, तभी देश का निर्माण सुचारू रूप से हो सकता है। अगला पॉइंट है केंद्र राज्यों का सच्चा मित्र है, केंद्र राज्यों को उनकी अपनी चुनौतियों का सामना करने में सहायता प्रदान करता है। अब एक नया प्रश्न आता है, बचत क्या है। ये 2012, 15, 17, 18, 20 और 21 में बीए के एग्जाम में पूछा गया।
बचत, ये शब्द हम बहुत पहले से सुनते आ रहे हैं। एक नॉर्मल शब्द है बचत, बचत सभी लोग करते हैं, लेकिन बचत की परिभाषा अर्थशास्त्र में क्या होनी चाहिए इसको हम देखते हैं। तो इसकी परिभाषा है कि कोई भी आय जो व्यय नहीं हो पाती, शेष रह जाती है, इसे बचत कहते हैं। अर्थात हमारी जो भी इनकम है, अपनी आवश्यकताओं का सामान खरीदने के बाद जो आय हमारी बच जाती है तो इसे हम बचत कहते हैं। ऐसा नहीं कि जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उसे खरीदें ही ना, पूरा बचा लें, तो उसे बचत नहीं कहेंगे। अपनी ज़रूरत की सामान खरीदने के बाद जो आय हमारी बच जाती है इसे बचत कहते हैं। अथवा इसकी दूसरा परिभाषा ये है कि आय का वह भाग जो व्यय ना किया जाए बचत कहलाता है। तो बचत का अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय के संदर्भ में विशिष्ट महत्व है। अर्थशास्त्री केन्स के शब्दों में आय का उपयोग की तुलना में जो अधिक होता है वह बचत कहलाता है। सूत्र है कि बचत बराबर आय माइनस उपभोग, या एस बराबर हम लिखते हैं वाई माइनस सी। एस है सेविंग, वाई है यील्ड आय, और सी है कंजम्पशन उपभोग। बचत दर बराबर होता है सकल बचत बटे सकल राष्ट्रीय आय इंटू 100। ये बचत का फार्मूला है। एक आंकड़ों के अनुसार हम देखें तो हमारे देश में प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक जो चली थी तो उस समय बचत 10% थी, जो कि वर्ष 2001 में 24% हो गई है, लगभग 14% बढ़ गई है। अब हम देखते हैं कि बचत के स्रोत क्या हैं। सोर्स ऑफ सेविंग, तो पहला स्रोत है पारिवारिक क्षेत्र, हाउस होल्ड सेक्टर, और ये हाउस होल्ड सेक्टर सबसे बड़ा बचत का क्षेत्र है। इसका मतलब होता है कि हमारे परिवार में जो इनकम हो रही, विभिन्न प्रकार के परिश्रम करके हम जो कमाते हैं, और परिवार का खर्चा चलाने के बाद भोजन कपड़ा आवास इन सब के खर्च के बाद जो बचता है, जिसे हम सेविंग के रूप में रख लेते हैं, तो वही पारिवारिक क्षेत्र का बचत कहलाता है। और कुल बचत में, देश में जो भी कुल बचत होता है उसमें इस पारिवारिक क्षेत्र हाउस होल्ड सेक्टर का बहुत बड़ा रोल है। तो हम देखते हैं कि कुल बचत में पारिवारिक क्षेत्र की बचत का प्रतिशत सर्वाधिक है, लगभग 69%। परिवार के लोग जब अपनी आवश्यकताओं जैसे भोजन कपड़ा आवास शिक्षा आदि के लिए परिश्रम से धन कमाकर बैंकों में बचत के रूप में जमा करते हैं तो यह पारिवारिक क्षेत्र कहलाता है, हाउस होल्ड सेक्टर कहलाता है। वर्ष 2006-07 में कुल पारिवारिक क्षेत्र की बचत 9,85,822 करोड़ थी। दूसरा क्षेत्र है सरकारी क्षेत्र की बचतें, गवर्नमेंट सेक्टर। इनमें सरकारी विभाग जैसे डाक विभाग, रेलवे, ऊर्जा, परिवहन आदि की बचतें आती हैं। निगमित क्षेत्र, कॉरपोरेट सेक्टर, इसमें निजी कंपनियां, सार्वजनिक कंपनियां, सार्वजनिक क्षेत्र व सहकारी क्षेत्र आता है। कुल बचतों में इनका योगदान 6% है। अगला प्रश्न है कि भारत में बचत दर निम्न होने के क्या कारण हैं। भारत में जो बचत दर है वो कम है तो इसके क्या कारण हो सकते हैं, ये देखना है। और ये प्रश्न 11, 12, 15, 17, 18 और 20 में पूछा गया है। तो हम देखते हैं कौन कौन से कारण हैं। पहला कारण है प्रति व्यक्ति आय कम होना, लो इनकम। प्रति व्यक्ति आय कम होना, लो इनकम। भारत में प्रति व्यक्ति आय बहुत ही कम है, लगभग 1/4 आबादी देखा जाए तो गरीब है। लोग अपनी आय का एक बड़ा भाग व्यय कर देते हैं, अर्थात उनकी बचत नहीं हो पाती है। दूसरा है सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की हानि, लॉसेस ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज। तो लोक क्षेत्र के अधिकांश उपक्रम हानि पर चल रहे हैं, इसका पूंजी निर्माण प्रक्रिया पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तीसरा है ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों का अभाव, लैक ऑफ बैंक्स इन रूरल एरियाज। तो हम देखते हैं कि हमारे देश की लगभग 70% जनसंख्या गाँवों में रहती है, जहाँ पर बचत करने हैं तो बैंकों की बहुत कमी है, जिससे ग्रामीण जनता बचत नहीं करते हैं और अपना पैसा खर्च कर डालते हैं। चौथा है मुद्रा प्रसार की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लेशन। भारत में मुद्रा प्रसार तीव्र गति से होने के कारण मूल्य बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जिससे घरेलू क्षेत्र में बचत नहीं हो पाती है। और पाँचवा है लोक कल्याण है तो बड़े कोष की आवश्यकता। तो लोक कल्याण हो तो जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, तो इस पर सरकार बहुत बड़े बड़े कोष आवंटित कर देती है, ये सरकार की बचत को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है कि बचत में अगर वृद्धि करना है तो आप क्या सुझाव देंगे, सजेशन फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ सेविंग। तो कुछ सुझाव हो सकते हैं, जैसे पहला गरीबी उन्मूलन हेतु कार्यक्रमों का चलाया जाना, दूसरा बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार, तीसरा स्थिर मूल्य नीति का निर्माण, चौथा भविष्य निधि व बीमा क्षेत्र का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए, पांचवा उत्पादन लागत में कमी की जाए, और छठवां वेतन नियंत्रण की जाए।
यदि इन 6 पॉइंट पर हम ध्यान देते हैं तो बचत में वृद्धि हो सकती है। अगला प्रश्न है, विनियोग या पूंजी निर्माण से आप क्या समझते हैं? विनियोग या पूंजी निर्माण से आप क्या समझते हैं, जिसे इंग्लिश में कहते हैं डिफिनीशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। कैपिटल फार्मेशन, उत्पादन कार्य हेतु प्लांट व मशीनरी में लगाया गया धन विनियोग कहलाता है। उत्पादन कार्य हेतु प्रोडक्शन के लिए किसी प्लांट में, किसी इंडस्ट्री में, मशीनरी में जो पैसा हम लगाते हैं उसे विनियोग कहते हैं। इंग्लिश में इसे ही इन्वेस्टमेंट कहते हैं। अर्थशास्त्री किन्स के अनुसार विनियोग का अभिप्राय पूंजीगत पदार्थों में होने वाली वृद्धि से है। श्रीमती जॉन रॉबिन्सन के अनुसार विनियोग से अभिप्राय वस्तुओं के वर्तमान भंडार में वृद्धि करने से है। प्रोफेसर कॉलिन क्लार्क के अनुसार पूंजीगत वस्तुएं पुनः उत्पादन योग्य धन है जिनका उत्पादन कार्यों के उद्देश्य से प्रयोग होता है। प्रोफेसर डीएम नाग ने भी अपने अनुसार बताया है कि आर्थिक विकास का पूंजी निर्माण की दर से घनिष्ठ संबंध है। पूंजी निर्माण गरीब देशों के आर्थिक विकास की कुंजी है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो विनियोग है, जो इन्वेस्टमेंट है, यह है कि पैसा किसी कंपनी में, किसी इंडस्ट्री में लगा करके उसकी वृद्धि करना विनियोग कहलाता है या इन्वेस्टमेंट कहलाता है। तो इस प्रकार आज के इस वीडियो में हमने एक महत्वपूर्ण टॉपिक नीति आयोग, पूर्व योजना विकास, बचत एवं भारत में पूंजी निर्माण किस प्रकार हो सकता है, इसके विषय में जिक्र किया। ये हमारा तीसरा पार्ट था इकोनॉमिक्स सेकंड पेपर का। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि दूसरों को भी इसका लाभ मिल सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके चौथे पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।